शाम को फिर से आगा करेंगे। असेंबली में आज स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा और अकीन क़यामत का सिलसिला शुरू हो गया है। एमक्यूएम के डेप्यूटी स्पीकर के उम्मीदवार राशिद असेंबली पहुंच गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान भी पहुंचना शुरू हो गए। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे वजाहत अली आबदी से। जी वजाहत, आगा कीजिएगा। का रोज है, आज दूसरा सेशन है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, आज इंतखाब होना है। कल अरकान सिंध असम्बली की जानिब से 148 अरकान सिंध असम्बली ने हलफ बर्दारी ली थी, जिसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का शेड्यूल जारी किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। ओएस कादिर शाह स्पीकर, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए नवीद एंथनी का नाम अपोस्ट किया गया था, जबकि एमक्यूएम की जानिब से सोफिया शाह और राशिद खान का नाम सपोस्ट किया गया था। इंतजार के कागजात जमा कराकर आज 11 बजे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना था। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के अरकान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसके बाद 11 बजे के बाद जैसी अरकान असम्बली की तादाद पूरी हो जाएगी तो इंतखाब का अमल शुरू किया जाएगा। इलेक्ट्रॉल प्रोसेस के जरिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। इसके साथ साथ अगर अददी शुमार के हिसाब से बात करूँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 114 अरकान के साथ पहले नंबर पर, जबकि दूसरे नंबर पर एमक्यूएम पाकिस्तान 36 अरकान के साथ दूसरे नंबर पर है। जी ठीक है वजाहत अली, आप भी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।